लोग हैं और कहना ये चाहती हूँ अतुल जी सुनिएगा, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे चमगादड़ उजालों से राज मांगता है, चमगादड़ उजालों से राज मांगता है, कौवा कोयल से आवाज मांगता है और दिमाग से पैदल दिखाई देता है, बैलगाड़ी च बहुत बढ़िया। अब आप सुनना ये पंक्तियां कि जैसे कौवा जैसे चमगादड़ उजालों से राज मांगता है, कौवा कोयल से आवाज मांगता है और दिमाग से पैदल दिखाई देता है, बैलगाड़ी चलाने वाला हवाई जहाज मांगता है। हवाई जहाज देखिए, मैं आपका वकील हूँ, जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ, दूँ तो देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि चमगादड़ ही है जो चांद की चांदनी को चूमते हैं, रात में तो वही निकलते हैं, अपन तो सोए पड़े रहते हैं। कि चमगादड़ ही है जो चांद की चांदनी को चूमते हैं, नशा हो प्यार का तो कौवे कोयल सब झूमते हैं, और हम बैलगाड़ी वालों को इतना नाकारा मत समझो, हम हवाई जहाज बैलगाड़ी में रख के घूमते हैं। मतलब कितने अच्छे लोग हैं आप, किसके पक्ष में तालियां बजाना चाहते पता ही नहीं चल रहा, इतने अच्छे लोग हैं कि रामलाल की बारात में जाए और श्यामलाल की यहाँ बढ़िया बैंड बजे तो वहां नाचने लग जाए। लेकिन चार पंक्तियां मैं भी जवाब की कहना चाहती हूँ, एक बार फिर भरपूर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। और कहना ये चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा है आपको देखकर जैसे जर्जर खंडहर हवेली से सवालात करता है, जर्जर खंडहर हवेली से सवालात करता है, मेंढक सूट बूट पहनकर जल परी से मुलाकात करता है, और जिसकी तस्वीर देखकर जुगनू भी डर जाते हैं, वो शख्स आज चांद को पाने की बात करता है। वो कह रही है मेंढक तो इधर वालों को खूब आनंद आ रहे हैं। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है इन्होंने जो भी कहा तो अब जवाब आपकी तरफ से सुनिएगा, कि इन्होंने जो कहा तो सुनिएगा कि चांदनी खुद आकर हमारे आंगन का ठिकाना ढूंढ लेती है। और चौथी पंक्ति अगर इनका जवाब मैंने दे दिया हो तो आपकी तालियां उठे, कि चांदनी आकर हमारे आंगन का ठिकाना ढूंढ लेती है, जल परियां खुद हमसे मिलने का बहाना ढूंढ लेती है, और एक बात ध्यान रखना हवेली की पहेली की सहेली वालों, दुनिया हवेली में नहीं खंडहर में खजाना ढूंढ लेती है। आइए इस वार्ता को यही समाप्त करते हैं। तो ठीक है, अंतिम चार पंक्तियां मैं निवेदन करती हूँ और अपने कविता पाठ पर आती हूँ, सुनिएगा। आप रामलाल जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप एंगल मिलाकर बैठे थे, और चार पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है, और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। बहुत बड़े कलाकार लोग हो आप लोग, मतलब मैं आपका वकील हूँ, आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हुए हो। विधायक जी बैठे हैं, विधायक जी आपके मतदाता हैं, तो आप इनसे सावधान रहिएगा, ये वो लोग हैं जो जिनका ये फार्म भरवाने जाते हैं उनकी जमानत भी यही जब्त करवाते हैं। इन्होंने कहा बात खत्म करती हूँ, मैं आपका वकील हूँ, चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, चार भी नहीं साढ़े तीन पढ़ूंगा, आखिरी की आधी पंक्ति आप बोलोगे, लेकिन अगर जवाब भारी हो गया हो तो तालियां वो बजाइएगा जो अभी तक ना बजी हो।
कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, ये मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। बस अब समझ लीजिएगा पंक्ति के, प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। और मैं भी सेकंड हैंड हूँ। लेकिन देखिए ये सब आपसे जुड़ने जुड़ाने